तमाम सबूत और गवाह के बयान को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम कर्नल सिंह पर जो इल्जाम लगाया गया है वो सही है, लिहाजा यह अदालत इसे मुजरिम करार देते हुए ताजीरात हिंद जेर दफा 302 की तहत सजाए मौत का हुक्म देती है, टू बी हैंग टिल डेथ। वकील साहब, आपने हमारे बेटे के हत्यारे कर्नल सिंह को फांसी की सजा दिलवाकर हम पर बड़ा एहसान किया है। हमने तो आपकी फीस भी नहीं दी। माँ जी, मुझे फीस की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो खुशी सिर्फ इस बात की है कि मैंने आप लोगों को इंसाफ दिलवाया। वाकई आप दानवीर हैं। अच्छा, नमस्ते। डैडी, आपको सब दानवीर क्यों कहते हैं? बेटे, दानवीर तब कहलाता है आदमी जब वो अपनी भूख प्यास भुलाकर अपनी खुशियाँ, अपना सब कुछ दूसरों को दान कर देता है। तो फिर मैं भी दानवीर हूँ। वो कैसे? क्योंकि मैं भी अपने भाई बहन को चॉकलेट देता हूँ। बेटे, आज हम तुम्हारी वजह से ये केस जीते हैं, इसलिए हम तुम्हें अपना ये लॉकेट तोहफे में देते हैं। ये लो। थैंक यू डैडी। पिताजी, बेटा, कल मुझे फांसी हो जाएगी उसका गम नहीं है मुझे, लेकिन अगर तूने उस वकील श्रीवास्तव को और उसके सारे खानदान को मौत के घाट नहीं उतारा तो मेरी आत्मा भटकती रहेगी। तुझे कसम है मेरी, उस सारे खानदान को मिटा देना। मुझे कसम है पिताजी, मैं उसके खानदान को तबाह बर्बाद कर दूंगा। शाबाश, शाबाश। क्या बात है, क्या हुआ? वकील साहब बहुत ही अच्छे आदमी थे, कल रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसे। हा? सादा मेरे मारने से पहले ही मर गया। सर, उसके बच्चे अभी जिंदा हैं। नहीं, बच्चों को मैं मौत नहीं, मौत से भी बदतर जिंदगी दूंगा। तुम्हारे पिता दान किया करते थे, पैसे बांटा करते थे, नतीजा क्या निकला? कर्जा इतना बढ़ गया कि यह घर उन्हें बेचना पड़ा। अब मैंने यह घर खरीद लिया है, अब तुम कोई और रास्ता ढूंढो। ये लो तुम्हारे खर्चे के लिए। मुझे भीख नहीं चाहिए, अगर आज मैंने हाथ फैला दिए तो जिंदगी भर हाथ फैलाता रहूंगा। मुझे भिखारी नहीं बनना, मुझे अपने पिता की तरह बनना है। चलो मुन्नी। सर, ये काम तो मैंने कर दिया, उसके बच्चों को घर से बेघर कर दिया, अब मेरे लिए क्या हुक्म है सर? अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ दूर से बैठकर उनकी बर्बादी का तमाशा देखना है। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। वही तो कह रहा हूँ कि बच्चा बच जाएगा, इसका फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा, 2000 रुपया खर्चा आएगा। 2000 रुपये कहाँ से लाऊंगी मैं, गरीब औरत। तो बच्चा मर जाएगा। कैसे भी बचा लो साहब। नहीं नहीं, पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता। कहाँ से लाऊंगी साहब, मैं गरीब औरत। तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तुम खुद ही फैसला कर लो कि बच्चे की जिंदगी चाहिए या नहीं। डॉक्टर साहब, अगर आपको एतराज ना हो तो ये लीजिए, बच्चे को बचा लीजिए। बेटा, तू सचमुच दानवीर हो। है? ये 5 रुपए कम है भैया, बाद में ले लेना 5 रुपए। हमको अभी राशन दे दो, चावल का दाना नहीं है घर के अंदर, बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये धर्मशाला नहीं है, 5 रुपए लेकर आओ, बाद में चावल ले जाना। हाथ जोड़ता हूँ, पांव पड़ता हूँ भैया। भैया दे दो ना, अगर आपको तकलीफ है तो आप दे दो इनके 5 रुपए। मैं नहीं दूंगा, मेरी बीवी मारेगी। तो चुप रहो। सेठ जी, मेरी मजदूरी के 15 रुपए में से 5 रुपए काट कर इनको दे दीजिए। तेरे 5 रुपए इसे दे दूं? जी ठीक है, जाओ चावल ले लो। बेटा सुखी रहो।